wonderful morning and I hope you guys are doing absolutely wonderful. So guys, सुबह के बज गए हैं 6:45 के आसपास. आज का प्रोग्राम तो यार बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है. सबसे पहले तो शिशु जाना है, शिशु वाटरफॉल का ट्रैक करेंगे और उसके बाद जाना है आगे जिस्पा की तरफ. तो बहुत ही ज़्यादा सही होने वाला आज का दिन. बहुत ही एक्साइटेड हूँ. तो चलो यार शुरू करते हैं इस दिन को बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ और बाइक पर मिलते हैं. ठीक है भैया, नाम क्या है आपका? हिमांश. भाई कैसे पर? यार हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नई रोशनी लेकर आता है, एक नई स्टोरी लेकर आता है और इस स्टोरी के राइटर हम खुद होते हैं और ये हम ही पे होता है कि हम इस स्टोरी को कैसे लिखने वाले हैं. तो अगली बार जब नए दिन की शुरुआत करो तो एक ऐसी स्टोरी लिखना कि बेस्ट स्टोरी का अवार्ड तो आप ही ले जाओ. अभी जब मैं 2 महीने पहले आया तो स्पीति से मैं इधर से आया था और अभी अपने को जाना है संस्कार तो इधर के लिए जा रहे हैं. अब चल पड़े हैं हम यहाँ से एक नए एक्सप्लोरेशन के लिए. यस सर. अच्छा एंट्री. तो यार यहाँ पे आपको परमिट वगैरह लेना पड़ता है. 50 रुपीज़ का 2 व्हीलर का परमिट है. मेरे ख्याल से 4 व्हीलर का 200 या 100 रुपये का कुछ. मैंने कहा था ना कि जैसे टनल आप क्रॉस करते हो ज्योग्राफी एकदम से बदल जाती है. एकदम से पेड़ वेड़ जो हम सब देख रहे थे देखो वो सब खत्म हो गया है. तो वो यार वो रहा वहाँ पे शिशु वाटरफॉल. अभी अपन उधर ही जा रहे हैं. फिर रोड से ऐसा ये रास्ता कट रहा है टूवर्ड शिशु वाटरफॉल. यार लाइफ और जर्नी में एक सिमिलैरिटी होती है. दोनों ही बहुत अनसर्टेन होती हैं और इस अनसर्टेनिटी में एक एक्साइटमेंट छुपी होती है. कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है. कई बार हम चीज़ों को प्लान करते रह जाते हैं पर लाइफ को कुछ और ही मंजूर होता है. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि प्लानिंग करना कोई बुरी बात है, पर कहीं ये ना हो जाए कि इस ट्रैप में फंस के हम कहीं अपनी लाइफ को जीना ही भूल जाएं, क्योंकि लाइफ बस एक बार मिलती है और इसको खुल के जीना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए. So yeah, this is it. The Shishu waterfall is just behind me. It's falling from up there. बहुत ही सही जगह है यार. I'm not sure कि मेरी आवाज़ भी यहाँ पे आ रही है कि नहीं, क्योंकि जो waterfall का जो आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है. अब मेरे ख्याल से मुझे आगे चलना चाहिए, इतना टाइम यहाँ पे ठीक था देने का. आई होप आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा. अगर ऐसा है तो यू नो द ड्रिल गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ सपोर्ट द चैनल. चलो तो फिर अब चलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स जिस्पा
कंक्लूड करते हैं इस ट्रैक को। बहुत ध्यान से उतरना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला है, बहुत संभल के चलने वाली जगह है, क्योंकि नीचे गिरना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक चीज़ और कि यार, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पोर्टल्स देख के जाते हैं, तो एक काम करते हैं यार, मेरी ब्रो आर्मी में से कोई भी जब यहाँ आएगा तो यहाँ से 5 पोर्टल्स लेके जाएगा, मैं 10 लेके जा रहा हूँ, आप एटलीस्ट 5, 4, 3, 2, 1 जो मन करे, लेकिन यहाँ से जितना आप कूड़ा लेके आएंगे उससे कम एक तो ज़्यादा पैकेट आपको लेके जाना है, वरना यार ओवर द टाइम ये जगह बहुत ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये तो सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा है, भले एक बार को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये ज़रूर कर देना भाई कि यहाँ पे या कहीं भी जब आप आएंगे तो एक कुछ ना कुछ यहाँ से कूड़ा लेके जाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड कीप दिस प्लेसेस क्लीन एंड नेचुरल एज दे आर। दिस इज़ अ ट्रू जस्टिस फॉर आर हेरिटेज, फॉर आर जनरेशंस टू कम। तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स जस्पा, जिसे वाटरफॉल को अलविदा कहते हैं, और आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे पे मैं आ गया हूँ, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है तो ड्रोन शॉट्स लेने थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे। खाना वगैरह हमने खा ही लिया है जो बनाया था, अपना पेट फुल है, बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असल में जो नदी है ये गूगल मैप इसको चेनाब नाम से दिखा रहा है, बट इट्स नॉट चेनाब, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ये चंद्रा नदी है। चंद्रा नदी आगे जाके तांडी पे एक संगम होता है भागा नदी के साथ, वो चंद्रभागा हो जाती है और चंद्रभागा जाके चेनाब बनाती है, तो इट्स चंद्रा नदी। देखो यार, एक पेट्रोल पंप ये तांडी के पास पड़ता है, यहाँ से आप फिल करा सकते हो, जीपे कार्ड सब चल रहा है यहाँ पे। एक लास्ट पेट्रोल पंप अब जो किलोंग में आएगा, और किलोंग के बाद जो पेट्रोल पंप है वो सीधा ले है, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। इस जगह का नाम है तांडी संगम, ठीक ठाक मार्केट है, वाइन शॉप से लेके सब कुछ अवेलेबल है यार। देखो यार, वो चंद्रा नदी आ रही है उधर से और वो भागा नदी आ रही है उधर से, और दोनों मिलके चंद्रभागा बनाती है, संगम है दोनों नदियों का। इसकी बहुत मान्यता है यहाँ पे, पवित्र स्थान है बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं अपन यहाँ से, ड्रोन शॉट लेने का मन है बट आई अवॉइड टेकिंग ड्रोन शॉट जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं आसपास। इसको टाइट करना पड़ेगा। This is it, किलोंग हम पहुंच गए। Guys, this is the last पेट्रोल पंप, इसके बाद अब लेह तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। फुल कर दो भाई। यार यहाँ पे पेटीएम और कार्ड सब चलता है, बट इसके बाद पेट्रोल पंप सीधा लेह ही मिलेगा, तो यहाँ से अपने पेट्रोल की टंकी फुल करा लेना। क्यों भाई, सही बात है ना? ओके बाय। दिस इज़ द मेन मार्केट ऑफ किलोंग, नीचे जा 1 किलोमीटर आगे, यहाँ पे ATM भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, बट इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा भाई, तो यहाँ से अकॉर्डिंगली प्लान करना। तो यहाँ से अपना जो आज की मंजिल है जस्पा, वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4 बज गया है, तो 4:30-5:30 के आसपास तक हम जस्पा में होंगे। तो चलो भाई आगे चलते हैं अपन।
उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। गाइज इट टेक्स आवर्स ऑफ एडिटिंग एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स टू मेक सच कंटेंट पॉसिबल, तो कंसिडर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का। और हाँ, वो सब लोग जो इस वक्त भी इस चैनल के साथ खड़े हुए हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज सोलो मैन ओवर एंड आउट।